सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आ गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है। सभी साथियों से निवेदन रहेगा, अपने अंतिम तारीख से पहले अपना आईटीआर है वो फाइल कर दें, अदरवाइज 5,000 रुपये की पेनल्टी आपको चुकानी पड़ सकती है। आईटीआर फाइलिंग का काम खुद द्वारा किया जा सकता है इनकम टैक्स की साइट पर, आईटीआर फॉर्म 1। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आपकी सिंप्लीफाइड इनकम है तो आईटीआर फॉर्म 1 भरने का तरीका आज इसकी वीडियो में सीखने वाले हैं। वीडियो हो सकता है साथियों थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आप अपना आईटीआर फाइल खुद से करना सीख सकते हैं। ये काम मोबाइल में भी किया जा सकता है। आईटीआर फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की साइट पर जाना होता है। इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करने से पहले किस तरीके के फॉर्म किस इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। वीडियो के शुरू में ही आईटीआर फॉर्म 1, 2, 3, 4 किस किस पे अप्लीकेबल होता है ये देखने के लिए इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ से रिटर्न या फॉर्म्स अप्लीकेबल टू मी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने 4 तरीके के फॉर्म हैं, उनकी डिटेल ओपन हो जाएगी। कौन सा फॉर्म किस इंडिविजुअल को भरना है उसके लिए सबसे पहले हमें आईटीआर 1 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग सैलरीड इंडिविजुअल पे यही फॉर्म अप्लीकेबल होता है। आईटीआर फॉर्म 1 आपको अगर सैलरी से इनकम आ रही है या पेंशन से इनकम आ रही है तो आपको आईटीआर 1 भरना है। 1 हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो आपको आईटीआर 1 भरना है। 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होने पे आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा। आपको अगर इंटरेस्ट से इनकम आ रही है, फैमिली पेंशनर अगर आप हैं या किसी शेयर के डिविडेंड आपको आ रहे हैं तो आपको आईटीआर 1 भरना है। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपये से कम है, 5,000 रुपये तक है तो आपको आईटीआर फॉर्म 1 भरना होगा। आईटीआर फॉर्म 1 आप किस कंडीशन में नहीं भर सकते, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्ड किए हुए हैं या म्यूचुअल इसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है या आउटसाइड ऑफ इंडिया आपके कोई असेट हैं या आपका कोई अकाउंट आपके पास है या वहाँ से कोई आपको इनकम आ रही है तो आप आईटीआर फॉर्म 1 नहीं भर सकते हैं। 194 के अंतर्गत आपका टैक्स कटा हुआ है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विदड्रॉल किया हो उस कंडीशन में आप आईटीआर फॉर्म 1 नहीं भर सकते। आईटीआर फॉर्म 2 आप भरेंगे अगर आपको कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन हुआ हो, शेयर ट्रांजैक्शन से आपको कैपिटल गेन हुआ है या म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन से आपको कैपिटल गेन हुआ है या मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है 1 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी में तो आप या फिर आप कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको आईटीआर 2 भरना है। आईटीआर 3 अगर आपकी बिजनेस या कोई प्रोफेशनल इनकम है तो आपको आईटीआर 3 भरना है। आईटीआर 4 भी सेम आईटीआर 3 की कंडीशन है, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो आपको आईटीआर 4 भरना है। ये आईटीआर 3 का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। आईटीआर भरने के लिए हमें फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 26 AS और AIS फॉर्म की आवश्यकता होती है। फॉर्म नंबर 16 में इनकम की डिडक्शन, टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेड की डिटेल रहती है। फॉर्म नंबर 26 AS में TDS जो कटा है उसकी डिटेल रहती है। AIS में इनकम की डिटेल रहती है। तो साथियों सबसे पहले अब आईटीआर भरने के लिए हमने आईटीआर फॉर्म के बारे में जान लिया, अब हम इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पैन नंबर इंटर कर आप रजिस्टर कर सकते हैं इस साइट पर। अगर आप पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अपना पैन नंबर एंटर कर दें, पासवर्ड लगा दें। पासवर्ड लगाने के बाद आप इसमें आपको आधार बेस OTP देनी होगी, अगर आप पहले से आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज जनरेट OTP पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें, वैलिडेट करें आधार डिटेल को। तो जनरेट आधार OTP पे जो ही क्लिक करेंगे OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगी, वो आप एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आप साइट पर लॉगिन हो जाएंगे। आईटीआर फॉर्म भरने से पहले आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल या जो भी आप डिटेल अपडेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरी डिटेल अपडेट है इसलिए मैं सीधा फाइल 9 पे आऊँगा। इसमें असेसमेंट ईयर और फाइनेंस ईयर दो चीज़ें रहती हैं। असेसमेंट ईयर आपको करंट 23-24 सेलेक्ट करना है। असेसमेंट मेरा इस ईयर का है, फाइनेंस ईयर जो एंड हो गया उसकी डिटेल भरनी है। फाइल 9 पे क्लिक करेंगे। फाइल 9 पे क्लिक करने के बाद हमको असेसमेंट ईयर जैसे मैंने बताया करंट ईयर सेलेक्ट करना है 23-24, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मोड फाइलिंग के दो मोड रहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपको एक एक्सेल शीट की यूटिलिटी होती है ऑफलाइन मोड की, वो डाउनलोड कर उसमें डिटेल भर आपको अपलोड करनी होती है। ऑनलाइन रिकमेंडेड मोड होता है तो आप ऑनलाइन
ई फाइलिंग का मोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ फॉर्म्स की आवश्यकता इनकम टैक्स भरने के लिए होती है। तो सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 आपको DDO द्वारा या एम्प्लॉय द्वारा दिया जाएगा। फॉर्म नंबर 26S डाउनलोड करने के लिए ई फाइल, ITR और फॉर्म नंबर 26S के ऑप्शन पे क्लिक कर प्रोसीड करेंगे तो ये हमें SS की साइट पे लेके जाएगा। यहाँ से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, फिर व्यू टैक्स क्रेडिटेड फॉर्म 26AS का ऑप्शन आ रहा है ब्लू कलर में, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर में 23-24 कर देंगे। उसके बाद व्यू एज HTML करेंगे। उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। व्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज PDF के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फॉर्म नंबर 26AS सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। उसे ओपन रखें। उसके बाद तीसरा रिक्वायरमेंट फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 26AS और उसके बाद आएगा AIS। इन तीनों चीज़ों में अपने इनकम डिडक्शन और जो टैक्स हैं उन सब का मिलान करते हुए हमें ITR1 फिलअप करना है। अब वापस ITR की साइट पे आएंगे, डैशबोर्ड पे AIS का ऑप्शन इसमें इस साइट पे दिख रहा है, उस पे ऑप्शन पे क्लिक करें, प्रोसीड करें। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। AIS पोर्टल पे कुछ इंस्ट्रक्शन AIS से रिलेटेड रहेंगे, वो अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद AIS का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आपकी सैलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक या फिर अगर आपको कोई इंटरेस्ट डिपॉजिट से आ रहा है तो वो इसमें डिटेल रहेंगी TIS में। तो इस तरीके से तीन फॉर्म, फॉर्म नंबर 16 जो एम्प्लॉयर या DDO द्वारा दिया जाएगा, फॉर्म नंबर 26AS हमने डाउनलोड कर लिया, AIS अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट हमने डाउनलोड कर लिया। तो अब हम फॉर्म ITR1 भरना शुरू करेंगे। फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड विथ ITR1 करेंगे। लेट गेट स्टार्टेड से पहले हम तीन चीज़ें हमारे को ITR फॉर्म 1 भरने में करनी होंगी। वैलिडेट प्री फील्ड जो डाटा है उनको वैलिडेट करना होगा, कन्फर्म करना होगा रिटर्न समरी को, और वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न करना होगा। सबसे पहले वैलिडेट प्री फील्ड डाटा के लिए इसमें पूछेगा आप कौन सा रीजन के लिए आप ITR भरना चाहते हैं। तो टैक्सेबल इनकम आपकी मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 2.5 लाख है उससे ज़्यादा है तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो प्री फिल्ड जो रिटर्न है उसको वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा। उसमें 5 स्टेप रहेंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमें कन्फर्म करनी होंगी, ग्रॉस टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल डिडक्शन है, टैक्स कितना आपने पेड किया है और कितनी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है, उसमें आपको रिफंड भी हो सकता है, टैक्स पेड भी करना पड़ सकता है या आपको कोई भी टैक्स नहीं भी लग सकता है। ये 5 चीज़ें अपने को इसमें वैलिडेट करनी होंगी। सबसे पहले हम हमारी इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वैलिडेट करेंगे। तो जो रिटर्न समरी है उसमें 5 ऑप्शन है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के कॉलम पे मैंने क्लिक किया, इसमें मेरी प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर आप में कोई अपडेट करना है तो अपडेट एडिट पे जाके कर सकते हैं, ये मेरी डिटेल सही है तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूँगा इसको। फिर इसमें आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, ये सब आप सिलेक्ट कर लेंगे। फाइलिंग सेक्शन के ऑप्शन में 139(1) सिलेक्ट है, उसे ही रहने दें क्योंकि हम अभी बिफोर ड्यू डेट ITR फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आता है आप कौन सा न्यू या ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए नो ही रहने दें, न्यू के लिए आप यस में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैंक डिटेल अपडेट करना। बैंक डिटेल वैलिडेट इसीलिए ज़रूरी है, अगर कोई आपका इनकम टैक्स का रिफंड बनता है वो उस बैंक वैलिडेट बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई बैंक अकाउंट और है वो एड अनदर के ऑप्शन पे जाके आप बैंक अकाउंट है वो ITR के फॉर्म 1 में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कन्फर्म के क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो पहला पॉइंट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो कन्फर्म हो गया प्री फिल डाटा के हिसाब से। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रोस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें सैलरी में एग्जम्पशन की ऑप्शन है वो शो करेगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको एग्जम्पशन लेना है कोई कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टूर और ट्रांसफर पे जो कोई एग्जम्पशन लेना है तो वो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। कंपनसेटरी अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जम्पशन है तो वो आप यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें।
इसके बाद आता है हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए का कई साथियों द्वारा एग्जेम्पशन लिया जाता है जो सेक्शन 1013A फॉर्म नंबर 16 में भी मैच कर यहाँ पे देखना है। तो इसमें मेरा जैसे ही एचआरए का एग्जेम्पशन है वो जीरो है तो मैंने इसमें नो कर दिया। अगर आपका यस है तो अगर आप एचआरए का एग्जेम्पशन ले रहे हैं तो यस कर दें, उसको बाद में आपको ये शेड्यूल नेक्स्ट स्टेप में भरना होगा। उसके बाद आएगा लीव ट्रेवल अलाउंस, वो अगर आपके लिए अप्लीकेबल है एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। इसके अलावा भी अगर आप सैलरी इनकम से कोई एग्जेम्पशन है तो वो आप इसमें यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो करें और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इस तरीके से हमारी एग्जेम्पशन लेते हुए इनकम फ्रॉम सैलरी है वो जनरेट हो जाएगी। ये सारे डाटा ग्रोस सैलरी एग्जेम्प्ट अलाउंसेज जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है वो सब मैच करते हुए हमें फॉर्म नंबर 16 के सारे डाटा एज इट इज यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी का जो ऑप्शन है उसमें मैच करा लेने हैं, और हमारी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी है वो फॉर्म नंबर 16 के उसी ऑप्शन के बराबर आनी चाहिए। उसके बाद आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने होम लोन ले रखा है या फिर आपको वन हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है वो आप इसमें ऐड करने के लिए ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर हम होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप फिलअप कर सकते हैं। होम लोन आपका कटा हुआ था पूरी साल में, उसमें दो सेक्शन रहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ आप फिलअप करेंगे और ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा, अगर आपको वन हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो करनी होगी। उसमें टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेआउट सिलेक्ट कर आप जितना भी एनुअल ग्रोस रेंट आपको रिसीव्ड हुआ है वो आप इसमें फिलअप कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो ऑप्शन हमने पूरा कर लिया है, इनकम फ्रॉम सैलरी अपन ने देख लिया। उसके बाद इसके अलावा भी अगर आपको कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम आपको पिछली बार इनकम टैक्स रिफंड मिला था उसका कोई इंटरेस्ट बना है, या फिर बैंक सेविंग बैंक अकाउंट है उस पर कोई इंटरेस्ट बन रहा है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। तो आपकी ग्रोस सैलरी का जो ऑप्शन है वो, इसके अलावा भी अगर आपको अदर सोर्सेज कोई इनकम चार्जेबल है या आ रही है तो वो आप एड अनदर का ऑप्शन कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रोस टोटल इनकम है वो हमारी शो करेगी, वो फॉर्म नंबर 16 से मैच करा लेंगे तो ग्रोस कंफर्म कर देंगे। ग्रोस टोटल इनकम का दूसरा जो पॉइंट है वो हमने प्रीफिल्ड डाटा के हिसाब से कंफर्म कर दिया। अब आएंगे टोटल डिडक्शन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के हिसाब से हमारी जो टैक्स सेविंग के डाटा है वो हमारे को मैच कराने हैं। सबसे पहले आएगा अगर आपने कोई डोनेशन पैड किया है उसका वैलिड प्रूफ आपके पास है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। डोनेशन आपने साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन किया है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। आप सेक्शन 80GG जिसमें आपको एचआरए का एग्जेम्पशन आपने लिया नहीं हो और आप हाउस रेंट आप पे कर रहे हैं वो इस कंडीशन में 80GG में आपको क्लेम करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं 80GG का क्लेम ले रहे हैं तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर दें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट 80C है जिसमें लगभग सभी एम्प्लॉय द्वारा 1.5 लाख तक की सेविंग बताई जाती है। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड आते हैं, प्रोविडेंट फंड आता है, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट आपने किया हो वो आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कट रहा है, पोस्ट ऑफिस की एफडी आपने ले रखी है, या सुकन्या समृद्धि योजना में आप सेविंग कर रहे हैं, या फिर जो होम लोन में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो कटा है वो आप इस ऑप्शन में 80C के अंदर आप सेविंग में दिखा सकते हैं। अगर आपका ये अमाउंट आपका फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से बराबर है तो यस कर दें, डू यू एग्री विथ इन्फॉर्मेशन को यस कर दें, अगर कोई चेंज करना है तो नो कर आप इसमें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेंशन स्कीम है उसमें आप अगर कोई क्लेम करना चाहते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। उसके बाद कई साथियों द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी जमा कराए जाते हैं वो आप सेक्शन 80D में आप क्लेम कर सकते हैं, उसको अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यस करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्टेप में आपको वो शेड्यूल भरना होगा। नेक्स्ट है 80E जिसमें आपने हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई लोन लिया है तो वो आपको इसमें डिटेल है वो बतानी होगी। अगर आपका हायर एजुकेशन के लिए कोई आपका पेमेंट कटा है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इसके बाद ऑप्शन आएगा सेक्शन 80TTA जिसमें अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट है जिसमें 10,000 तक की आप है वो छूट ले सकते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसमें 80TA में नो कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो यस करने के बाद आपको नेक्स्ट शेड्यूल में आपको इसमें डिटेल है वो भरनी होगी। इसके बाद इसके अलावा भी अगर आप कोई डिडक्शन है जो क्लेम करना चाहते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप
यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। यस करने पे आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन है वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें एक बार आप ज़रूर चेक कर लें, क्या पता कोई ऐसा ऑप्शन आपके लिए अप्लीकेबल हो। जैसे इसमें कुछ ऑप्शन है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपने डिपेंडेंट कर लिया है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेज किया है उसमें आपको एग्जेम्पशन इसमें मिलता है, या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है वो आप क्लेम करना चाहते हैं उसके 80U के अंतर्गत, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने डोनेशन किया है, ये सब आपको अदर जो एग्जेम्पशन के ऑप्शन है उसमें आपको मिलते हैं। अगर आप यस करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट शेड्यूल में आपको ये डाटा भरने होंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने जैसे वेरीफाई, वो जो डिडक्शन है वो हमने वेरीफाई कर दिया, पर जो शेड्यूल है जो मैंने बीच बीच में बताया वो अब यहाँ पे अपने वो भरने होंगे। 80C वाला अगर कोई एडिट करना है वो देख लें, 80D में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम कट रहे थे वो अपन फिल कर सकते हैं। सेक्शन 80C 80D के बाद 80TTA वाला, जिसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन अपने सेलेक्ट किया था, वो शेड्यूल इसमें वो डिटेल इसमें फिलअप कर देंगे। इसके बाद इसमें वार्निंग आ रही है, अगर आपके पास कंफर्म डाटा है तो इसको कंफर्म कर दें, वैलिड रीजन है तो अपने को कहीं भी इसमें उस वार्निंग की टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। इसके बाद आएंगे टैक्स पैड पे, जो भी आपकी टैक्स पैड की डिटेल है वो आप फॉर्म नंबर 16 और जो TDS आपका कटा है जिस जो फॉर्म नंबर 26AS में है वो सारे डाटा मैच करते हुए इस चीज़ को कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद आपको जो टैक्स लाइबिलिटी है वो आपको वेरीफाई करनी होगी, पांचों स्टेप जिसमें ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन और इनकम रहेगी, जो आपकी टैक्स पेएबल और टोटल इनकम पे आपका टैक्स बना है वो आप चेक कर लें, आपको रिबेट मिला है सेक्शन 87A के अंतर्गत वो देख लें, टोटल आपका कितना टैक्स पेएबल है, कितना आपने टैक्स पे कर दिया है, वो सारी चीज़ें एक बार आप कन्फर्म करेंगे। ये सारे डाटा फॉर्म नंबर 16 और जो 26AS है उससे मैच कर लें। इस तरीके से हमने जो प्री फिल डाटा के पांच स्टेप थे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, वो सारी चीज़ें कर दी हैं। इसको कन्फर्म करने पे हमारे सामने तीन कंडीशन होंगी, जिसमें आपको या तो रिफंड मिल सकता है, या फिर आपको हो सकता है पहले आपने कोई डिटेल सही नहीं भरी तो आपको हो सकता है और टैक्स भी पे करना पड़े, तो इस तरीके से आएगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ दिस मच अमाउंट। उसको आप पे नाउ पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पे करने के बाद फिर से एक बार असेसमेंट ईयर वो सब बताएगा, टाइप ऑफ मोड बताएगा, कौन से हेड में वो पेमेंट करना है वो बताएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। उसके बाद जो भी आपका टैक्स बनना है उसके ब्रेकअप्स दिखाएगा और आपको बैंक की साइट पे ले जाके इसमें पेमेंट कर देना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन बनता है आपका टोटल इनकम जो है, सैलरी जो आपको टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम बनी है, उस केस में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है, आपका कोई टैक्स नहीं लगा हुआ होता है उसमें। अपन जैसे इस एम्प्लॉय में अगर देखेंगे तीसरी कंडीशन में, जिसमें टोटल इनकम इनकी 4,81,000 के करीब है, तो इनका जो टैक्स पेएबल बना है वो 11,533 है, जिसका सेक्शन 87A के अंतर्गत इनको रिबेट मिल जाएगी, जिसमें 12,500 रुपये तक की अपन को छूट मिलती है। तो इस कार्मिक का जैसे जो टैक्स लगना है वो जीरो हो गया, क्योंकि 11,533 बना, 12,500 तक सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलता है। तो इस कार्मिक को जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उनको टैक्स है वो जीरो लगता है, ये चीज़ आप इसमें कन्फर्म कर देंगे। इस कंडीशन में कन्फर्म करने पे आपको आएगा लेटेस्ट वैलिड डेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न, उसमें प्रोसीड जो ही आप करेंगे आपको बताएगा कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। पे नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आएगा यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ जीरो, मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगना है या नहीं लगा है। अब अपन जो रिटर्न समरी है वो कन्फर्म करेंगे। सबसे पहले वो डिडक्शन और इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, जितने भी टैक्स हैं वो सारी चीज़ एक बार कन्फर्म करने से पहले पुनः जांच लें फॉर्म नंबर 16, 26AS और AIS की जितनी भी डिटेल हैं उन सबसे मैच कराकर प्रीव्यू रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आएगा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। इस फॉर्म में जो चेकबॉक्स है उस पर टिक करेंगे, नाम अपना अच्छे से देख लें। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
इसमें प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का जो ऑप्शन आ रहा है या प्रिंट का आ रहा है उससे अपन जो फॉर्म नंबर ITR 1 अपन ने जो भरा है अभी तक अपन ने जितने भी डिटेल भरी है वो सब उस चीज का अपन प्रिंट ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इस जो फॉर्म भरा हुआ है इसमें सारी डिटेल अपन ने क्या अपनी ग्रोथ सैलरी बनी है, किस किस चीज में अपने एग्जेम्पशन लिया है, कौन कौन सी चीज के अपने डिडक्शन हुए हैं, ATC की अपन ने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है, ATD के हैं या TTA के जो है, वो जितने भी अपन ने डिटेल शेड्यूल अपन ने जितने भरे थे, कौन सी चीज का अपने को रिबेट मिला है, किस सेक्शन के अंतर्गत अपने को छूट मिली है, वो सारी चीज, बैंक कौन सा अकाउंट अपन ने वैलिडेट किया था, वो डिटेल आप इस भरे हुए जो ITR Form 1 है इसके अंतर्गत आप चेक कर सकते हैं। एक बार वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करने से पहले सारी डिटेल है वो एक बार आप चेक कर लें, यहीं से इस फॉर्म का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन के कॉलम पे अगर सारे डाटा सही हैं तो प्रोसीड टू वैलिडेशन के कॉलम पे अपन क्लिक करेंगे, वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो गया है अगर सारे डाटा सही हैं। अब आपको वैलिडेशन करने के बाद आपका जो रिटर्न है ITR आपने जो भरी है उसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में तीन ऑप्शन आते हैं, ई वेरीफाई नाउ, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन में आता है ई वेरीफाई नाउ जो कि रिकमेंडेड मेथड होता है, ये आधार बेस OTP से किया जा सकता है या जो प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट है उसमें अगर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन है उससे किया जा सकता है। प्री वैलिडेट डीमेट अकाउंट से आपको आपका ATR है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई के ऑप्शन पे जाके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आधार बेस OTP का ऑप्शन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे आ जाएगा, वो आप सिलेक्ट कर लें। तो साथियों इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में सैलरीड पर्सन के लिए जिनकी सिंप्लीफाइड इनकम है ITR Form 1 भरने के बारे में सीखा, जो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।